पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। 1304 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, जिसका फैसला 10 मार्च को आएगा। वोटिंग की गहमा गहमी से पहले रविवार को पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुद्वारे में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की पूरी कोशिश की। चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब और भगदौर विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, मैं यहां सभी लोगों के साथ साथ पंजाब की सलामती की दुआ मांगने आया हूं। अब जनता पर सब कुछ निर्भर करता है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। पंजाब में कैंपेनिंग के आखिरी दो दिन में काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चला। सभी दलों ने एक दूसरे को घेरने की कोशिश की, आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चला। आम आदमी पार्टी ने जहां मौजूदा कांग्रेस और पूर्व में सरकार चला चुकी बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को घेरा, तो वहीं बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए आम आदमी पार्टी को भी घेरा। इस हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आज प्रदेश के करीब 2.14 करोड़ वोटर्स मतदान करके 1304 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। बता दें कि पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 27 मार्च 2022 को खत्म हो रहा है। विधानसभा की 117 सीटों वाले पंजाब में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटें जीतकर 10 साल बाद सत्ता में लौटी थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का गठबंधन महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गया था।